वेलकम टू नॉलेज ग्रो जी। आज है 2 नवंबर 2018 और 2 नवंबर 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एयर पॉपुलेशन एंड चाइल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में देश में कितने बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एयर पॉपुलेशन एंड चाइल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में देश में कुल 1.25 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए कि हाल ही में अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि सफल परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों, हाल ही में अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि सफल परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस A.S. बोपन्ना को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जस्टिस A.S. बोपन्ना को गुवाहाटी हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है, तो दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार से मलाला उफजई को सम्मानित किया गया है 2018। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर बाघ की कुल कितनी प्रजातियां उपलब्ध हैं? तो हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर बाघ की कुल प्रजातियां 6 उपलब्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः कितने वर्ष पुराने पेट्रोल एवं डीजल वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः 15 साल से 10 साल वर्ष पुराने पेट्रोल एवं डीजल वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.05% का इजाफा किया है, जो कि आज 1 नवंबर से लागू होगा? तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.05% का इजाफा किया है, जो कि आज 1 नवंबर से लागू होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.05% का इजाफा किया है, जो कि आज 1 नवंबर से लागू होगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने से रिटेल लोन महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में भारत को 77वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में भारत को
77वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भारत को इस रैंकिंग में 100वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजिटल पेमेंट कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 3,314.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो दोस्तों, पेटीएम कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 3,314.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पेटीएम कंपनी की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2017-18 में ई रिटेल बिजनेस की वजह से 3,314.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी को ये नुकसान विज्ञापन तथा पेमेंट गेटवे पर खर्च बढ़ाने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में आम जनता के लिए खाते खोलने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में आम जनता के लिए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में आम जनता के लिए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर रखते हुए आधार की अनिवार्यता को लेकर लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर को भारत के किस राज्यों की स्थापना हुई और राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को भारत के इन सभी राज्यों की स्थापना हुई और राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नवंबर को भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की स्थापना हुई और आज के दिन इन राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में FTII के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, अनुपम खेर ने हाल ही में FTII के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2017 में अनुपम खेर को FTII का चेयरमैन चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल को हाल ही में किसने महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल को हाल ही में आईटीबीपी का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने हाल ही में आईपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल को महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। वे 31 अगस्त 2021 तक आईटीबीपी के महानिर्देशक के पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बीबीसीआई को जल्द ही एक लोकपाल और एक एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को जल्द ही एक लोकपाल और एक एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीसीसीआई को वार्षिक आम बैठक और चुनावों में किसी भी विवाद से निपटने के लिए जल्द ही एक लोकपाल और एक एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन में सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण करने के लिए किसने हाल ही में परियोजना का शिलान्यास किया है? तो कोचीन में सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण करने के लिए नितिन गडकरी ने हाल ही में परियोजना का शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कोचीन में भारत के सबसे बड़े ड्राई डॉक के निर्माण करने के लिए एक परियोजना का शिलान्यास किया है। ड्राई डॉक का निर्माण परियोजना मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी ध्रुव में पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में चीन ने दक्षिणी ध्रुव में पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन देश ने हाल ही में दक्षिणी ध्रुव में पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। चीन ने कहा है कि यह हवाई अड्डा वैज्ञानिकों को साजो सामान उपलब्ध कराएगा, जिससे अंटार्कटिका में हवाई क्षेत्र प्रबंधन में सुधार होगा।
तो दोस्तों आज की क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जारी इस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है 1 75, B 76, C 77, D 7।